पिता पुत्र ने तीन लोगों की लाठी डंडों से की मारपीट, शराब के नशे में गाली देने से मना करने को लेकर हुआ विवाद। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र के पनवारी गांव में बीती रात एक पिता पुत्र ने पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों के साथ लाठी डंडों से हमला कर जमकर मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि गाली देने से मना करने को लेकर हुए विवाद पर से पिता पुत्र ने पड़ोस में रहने वाले तीन लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार दौजाराम जाटव निवासी पनवारी थाना कोलारस ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला किशोर जाटव और उसका लड़का हेमंत जाटव शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे। गाली देने से मना करने गए तो किशोर और उसके लड़के हेमंत ने धर्मेंद्र ब्रजेश और उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में धर्मेंद्र जाटव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल शिवपुरी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। नाम है दादा? दौजाराम जाटव पनवारी। कहाँ के रहने वाले? पनवारी के। कहाँ पड़ता है? कोलारस के पास। थाना कोलारस ही? हाँ। क्या घटना हो गई? वो लड़ाई झगड़ा होगा थे तो हम लड़ते थे। कौन ने? किशोर कुमार और हेमंत। हेमंत ने दोनों बात में डाले। किशोर कुमार और हेमंत। पूरा नाम बताओ उनका। हेमंत किशोर कुमार दोनों। कौन समाज है? जाटव। वो भी जाटव। जो इसका नाम क्या है जो पटा है? अरविंद। अरविंद। किस बात को लेकर मारपीट हो गई? अरे वो दारू पी के गारे देवे लगो। हाँ जी, समझा भी चले गए बाका कि तू गारे मारे क्यों दे रहा हो। हाँ। वो लट ले तो जीप चले गए बेसी बात क्या बेकारी। हाँ। सरकार हमें लट हो। कितने लोग थे? तीन लोग। मैं दो दो जने थे। अच्छा। और हमसे तीन ही गए थे वैसे। अब आठ में कुछ भी नहीं जाते वो वैसे ही तो अकेले कोई मारपीट करी है? मारपीट कितने लोगों की करी है? तुम्हारी भी करी है? और कौन पिटा है? एक ब्रजेश और है छोटू। अच्छा।